डिलीवरी के बाद वजन बढ़ने के डर से आजकल महिलाएं गोंद के लड्डू खाने से बचती हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी गलती हो सकती है। शिशु को जन्म देने के बाद गोंद के लड्डू खाने से आपकी सेहत को कई फायदे होते हैं। ये लड्डू मोटे गेहूं, घी, गुड़, ड्राई फ्रूट्स आदि से बनाए जाते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, आयरन और अन्य खनिज पदार्थ होते हैं। डिलीवरी के बाद नई माताओं को आमतौर पर काफ़ी थकान और कमजोरी लगती है, लेकिन गोंद के लड्डुओं से उन्हें एनर्जी मिलती है। खनिज पदार्थों से भरपूर ये लड्डू स्तनपान को बढ़ावा देते हैं। डिलीवरी के बाद आमतौर पर नई माँ की मांसपेशियाँ और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। गोंद के लड्डू इन्हें फिर से ताकत देने का काम करते हैं। एक बच्चे को जन्म देना कोई आसान काम नहीं। एक माँ को इस दौरान बेतहाशा दर्द से गुजरना पड़ता है। गोंद के लड्डू इस दर्द को कम करने में मदद करता है। कई बार नई माँ जिंदगी में हुए बदलावों के कारण पोस्टपार्टम डिप्रेशन या मूड स्विंग का शिकार हो जाती हैं। ऐसे में ये पौष्टिक लड्डू मूड बूस्टर का काम करते हैं। गोंद के लड्डुओं को आप सिर्फ एक मिठाई न समझें, ये अपने आप में पौष्टिकता का पावर हाउस है। इनमें डाली गई हर एक सामग्री की अपनी विशेषता है। घी में बनने वाले इन लड्डुओं में तिल भी डालते हैं। ये दोनों ही आपको कैल्शियम, विटामिन K2 और ओमेगा 3 फैटी एसिड देते हैं। नई माँ के लिए बनाए जाने वाले इस खास लड्डू में कई तरह के ड्राई फ्रूट्स और सीड्स डाले जाते हैं, जो इन्हें और पौष्टिक बनाते हैं। कद्दू के बीज और अलसी में मैग्नीशियम और फैटी एसिड होता है, जो कमजोर हड्डियों को फिर से ताकत देते हैं। गोंद एक शक्तिशाली खाद्य पदार्थ है। ये फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। नई माताओं के लिए बनाए जाने वाले गोंद के लड्डू में खासतौर पर हल्दी डाली जाती है। हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। ये कई संक्रमणों से बचाव के साथ ही हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में मददगार है। कई लोग गोंद के लड्डू में बेसन भी मिलाते हैं। बेसन के कारण इनमें प्रोटीन और आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आपकी भी डिलीवरी हुई है तो गोंद के एक लड्डू खाने से ना चूकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।